إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرين الكرام और माज़स खवातिन इस्लाम आदम की बेटियाँ इस सीरीज़ में आज फिर मैं आपका इस्तकबाल करना चाहता हूँ व बरकातहू औरत और पर्दा इस मौज़ू पर हमारी बात पिछले एपिसोड में भी हुई थी और मैंने बताया था कि ये पर्दा क्या है इसकी अहमियत क्या है ये पर्दा औरत की इज्जत है पर्दा औरत की हया है पर्दा औरत की शान है लेकिन मगरबी तहजीब ने औरत की हया छीन ली उसके शर्म की चादर इसने उतार ली है उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकालने के लिए इसने ठान लिया है तो नाजरीन और ख़वातीन इस्लाम इस ताल्लुक़ से हमें आगाह रहना चाहिए बस यही आगाही देने के लिए मैं आज भी हाज़िर हुआ हूँ और आज भी मेरा मौजू वही है औरत और पर्दा मैंने आपको बताया था कि औरत अगर घर में है तो महरम मर्दों के बीच में भी रहते हुए उसे अपना लिबास अपना पोशाक महजब रखना चाहिए जालीदार कपड़े में भी एक खातून को अपने महरमों के बीच नहीं आना चाहिए नाजरीन कराम घर में रहते हुए कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनको इस्लाम ने पर्दे का हुक्म नहीं दिया आप सोच रहे होंगे वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनको पर्दे से अलग रखा गया है। जी हाँ कुरान करीम में है कि कुछ ख़वातीन को पर्दा नहीं करना अगर वो पर्दा नहीं करती हैं कोई हर्ज की बात नहीं ये वो ख़वातीन हैं जो अपने बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गई हूँ जिनको निकाह की उम्मीद ना हो उनमें कोई जिनसी कशिश बाकी न रह गई हो बल्कि वो अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी गुजार रही हो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है वल्कवाद मिनसा त्लाजुना निकाहन फ़लई सा जुनाहन अन्य सयाबा हन्ना गैर मुतबर्रिजात बज़ीना वय्यफिफ न खैरन्ना अल्ला कहता है कि वो औरतें जो अब निकाह से मायूस हो गई हैं जिनको निकाह की ख्वाहिश नहीं है कायदात हैं वो तो कोई हर्ज की बात नहीं है कि वो अपने दुपट्टे उतार लिया करें अपने घर में रहते हुए अपने घर के मर्दों के बीच में रहते हुए वो अपना दुपट्टा अपना सिमार, अपनी ओढ़नी उतार कर रख सकती हैं कोई हर्ज की बात नहीं लेकिन एक शत के साथ गैर मतबर्रिजात बजीना शर्त यह है कि वो अपने जीनत का इजहार ना कर रही हों तबर्र का शिकार ना हों तो उनके लिए जायज़ है कि वो अपनी ओढ़नी अपना दुपट्टा उतार कर रखते व आय आफिफ ना खैरलहना लेकिन शरीयत ने भी बताया लेकिन अगर वो आफाफ और पाक दामनी अपनाती हैं दुपट्टा पहन कर रखती हैं ओढ़नी डाल कर रखती हैं बड़ी अच्छी बात है लेकिन बहरहाल शरीयत ने ऐसी बूढ़ी औरतों को पर्दे से अलग कर दिया है उन पर पर्दा वाजिब नहीं रखा जो बूढ़ी हो चुकी हों जिनको अब शादी ब्याह की निकाह की कोई उम्मीद नहीं इस्लाम ने इन खवातीन को पर्दे से अलग रखा है उन पर वाजिब और ज़रूरी नहीं करार दिया इसलिए कि वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गई हैं उनमें जिनसी कशिश अब बाकी नहीं रह गई है इसलिए जाहिर सी बात है अब लोग उनको एहतराम की नज़र ही से देख सकते हैं इज़्ज़त वक़ार ही की निगाह उन पर डाल सकते हैं उनकी तरफ किसी जिनसी जज्बे से लोगों की नज़रें अब नहीं उठेंगी यही वजह है कि इस्लाम ने उनके ऊपर से पर्दे को हटा दिया या नहीं उनके लिए वाजिब और फ़र्ज नहीं करार दिया अलबत् दूसरी वो ख़वातीन जिनमें जिनसी कशिश है जो जवान हैं जिनकी तरफ अगर निगाह उठे तो जज्बात बेदार हो सकते हैं ऐसी तमाम ख़वातीन को घर की बाउंड्री में रहते हुए भी इस्लाम ने कहा है कि तुम महज़ब लिबास में रहो इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि इसकी पाबंदी करें लेकिन एक बात ये देखी जाती है कि आज हमारे माशरे में घर के अंदर रहती हुई ख़वान अपने बहुत सारे वो रिश्तेदार जो गैर महरम हैं जिनसे पर्दा वाजिब है हमारी खवतान पर्दा नहीं करती हैं इसलिए कि वो घर का आदमी है लेकिन शरीयत ने कहा नहीं पर्दा वाजिब है जैसे देवर है जैसे जेठ है आज समाज में ये तसुर ही नहीं है कि देवर और जेठ से भी पर्दा करना चाहिए ख़वान ये समझती हैं कि ये तो घर का आदमी है वो लोग भी अपने आप को ये समझते हैं कि मैं तो घर का आदमी हूँ आखिर मुझसे क्या पर्दा हालांकि एक भाभी को ज़रूरी है कि अपने देवर से पर्दा करे वरना अल्लाह की हदें जब पार की जाती हैं अल्लाह के कानून को जब तोड़ा जाता है तो भयानक अंजाम से इंसानों को दो चार होना पड़ता है एक वाक़ मैं आपको सुना दूँ लेकिन वाक़े से पहले मैं आपको दलील दे दूँ कि देवर से पर्दा क्यों करना चाहिए क्या शरीयत का हुक्म है जी हाँ सही मुस्लिम की रिवायत है बाब उतरीम बिल अजनबिया इस बाब में माँ मुस्लिम ने इस हदीस को दर्ज फरमाया है। हज़रत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तवायत के रबी कहते हैं कि नबी अलैहि वसम ने बयान फ़रमाया याकुमद देखो औरतों के साथ खलवत में मत जाओ अकेले उनके साथ मत रहा करो याकुमदा एक सहाबी पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल आफ़ार हम क्या ख्याल है आपका देवर के बारे में देवर घर का इंसान है जिसमें वो ख़ातून रहती है देवर और जेठ के बारे में आप क्या कहते हो क्या उससे भी पर्दा है आप सासु ने फरमाया अम व अलमौत अरे देवर तो मौत है जिस तरह तुम तो उससे बचाव की कोशिश करते हो ऐसे ही खातून को चाहिए कि अपने देवर से भी बचती रहे पर्दा करती रहे वाजिब है लेकिन आज देवर और जेठ से कोई पर्दा नहीं किया जाता ख़वातीन उन्हें अपने घर का आदमी समझकर अल्लाह के कानून को तोड़ रही होती हैं और ये हदें पार कर रही होती हैं कि अल्लाह की हद जब तोड़ी जाती है पार की जाती है अल्लाह का कानून जब तोड़ा जाता है तो किस तरह भयानक अंजाम लोगों को देखना पड़ता है बिलाल फ़िलिप्स एक इस्लामी इस्कालर हैं एक बार उन्होंने बयान किया कि योरप का एक ख़ानदान जिसमें दो भाई थे मुसलमान थे बड़े भाई की शादी हो गई वो अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है छोटा भाई अभी पढ़ रहा है अभी उसकी शादी नहीं हुई लेकिन वो बालग है जवान हैं ये दोनों भाई एक घर में रह रहे हैं यानी भाभी उनके देवर और उनके शौहर ये तीन अफराद हैं बड़ा भाई अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है अल्लाह ने उसको दो औलाद भी अता फ़रमाई दो बच्चे हुए इत्फाक़ से एक बार ऐसा हुआ कि ये बड़ा भाई बीमार हो गया सख्त बीमार हुआ मुख्तलफ़ चेकअप कराए गए रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने जहाँ बहुत सारी चीज़ें उनको बताई वहीं एक और चीज़ का इंकशाफ किया और कहा मेरे भाई ये जो कुछ रिपोर्ट आई इससे पता चलता है कि आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही नहीं आप नामर्द हो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ कहने लगा डॉक्टर साहब आई हैव टू चिल्ड्रेन दो बच्चे हैं मेरे पास क्या कहते हो आप दो बेटे हैं मेरे पास कहा नहीं हमें तो डाउट है वो बच्चे आपके नहीं हो सकते ठीक है क्या किया जाए चेकअप करा लीजिए बच्चों का चेकअप हुआ घर के दूसरे अफराद का चेकअप हुआ पता चला कि ये बेटे अपने बाप के नहीं हैं यानी जिनसे शादी हुई थी उनके माँ की उस शौहर के नहीं हैं किसी और के हैं तो वो दूसरा कौन है जो इनका बाप है वही इंसान जिसको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था छोटा भाई यानी भाभी का देवर जो उसी घर में रहता था आखिर मामला कैसे हुआ डॉक्टर ने बताया तहकीक़ के बाद पता चला कि ये बेटा तुम्हारी बीवी के देवर का है तहकीक गई उनसे पूछा गया जांचा गया उस खातून ने भी इकरार किया उनके देवर ने भी माना और उस खातून ने कहा कि हाँ हो सकता है क्योंकि आप जब ड्यूटी पर जाते थे आठ से दस घंटे के बाद जब आप आते थे तो दिन का जो ये हिस्सा है आठ से दस घंटे इस बीच में आपके छोटे भाई वही हमारे साथ रहा करते थे और उनसे हमारे ताल्लुकात क़ायम हो गए थे के कराम आप महसूस कीजिए किस तरह एक नस्ल तबाह हो गई उसकी असलियत ख़त्म हो गई और बजाय इसके कि वो बेटे अपने बाप के होते वो किसी गैर के ठहरे आखिर ऐसा क्यों हुआ सिर्फ इसीलिए ना कि अल्लाह की हदों को पार किया गया अल्लाह के कानून को तोड़ा गया तो ख़वातीन को चाहिए कि वो देवर और जो जेठ हैं उनसे भी पर्दा करें अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो इसी तरह के भयानक अंजाम से दो चार हो सकती हैं अल्लाह ताला हमें ऐसे अंजाम से बचाए जब एक भाभी ने अपने देवर से पर्दा नहीं किया उनकी नस्ल महफूज ना रह सकी और इस तरह से वो बच्चे अब अपने बाप के नहीं रहे वो ये दावा नहीं कर सकते मैं अपने बाप का हूँ ज़रा बताइए कितने आर की बात है उस ख़ानदान के लिए कि बच्चे तो हैं लेकिन अपने बाप के नहीं किसी और के ये भयानक अंजाम सिर्फ़ इसलिए देखना पड़ा कि अल्लाह की हदें उन्होंने पार की भाभी और देवर के दरमियान जो पर्दा होता है उसको मेंटेन नहीं किया गया बेहजाबी रही जिसकी वजह से एक दूसरे से मिलना जुलना और बेतकल्लुफ़ होना रहा इसकी वजह से ताल्लुक़ कायम हुए और ये हशर हुआ कि बेटे आपके नहीं आपके भाई के हैं इसलिए हमें सोचना चाहिए गौर करना चाहिए कि हमारे घरों में तो ये माहौल नहीं है आजकल अगर आप देखेंगे तो ऐसा बहुत होता है कि दो चार भाई हैं शादियां हो गई हैं कुछ भाई अपने मुल्क में रहकर रोज़ी रोटी अपने बच्चों के पास कमा रहे हैं कुछ भाई जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए परदेश चले गए कोई अपना गांव छोड़कर के शहर चला आया कोई अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क रोज़ी रोटी के लिए चला गया तो क्या करते हैं अपने बीवी बच्चों को दूसरे भाई के सिपुर कर देते हैं गोया वो ये बता कर जाते हैं कि तुम्हारे और हमारे छोटे भाई या दूसरे भाइयों के दरमियान कोई पर्दा नहीं नतीजा ये होता है कि इस कस्म के वाक़ात पेश आना कोई ताज्जुब की बात नहीं होती है इसलिए कि शौहर तो परदेश में है एक साल डेढ़ साल दो साल के बाद आने वाला है वो बेचारी उसी घर में रहते हुए कब तक सब्र करेगी इस तरह से शैतान वसवसे भी दिलाता है और बेपर्दगी जब हो गई पर्दे हट गए क़ानून अल्लाह का तोड़ दिया गया तो हिजाब ना रहने की वजह से इस किस्म के भयानक वाकयात सामने आए नाजरीन और मुआज़त खुवा इस्लाम मैं आपको बताऊं कि इस्लाम ने किस कदर आपकी इज़्त आबरू को तहफ़ अतः फ़रमाया है कितने जतन किए हैं इस्लाम ने आपकी शान को महफूज रखने के लिए लेकिन आप हो ऐ ख़वातीन आपको इसका अंदाज़ा नहीं आपने आज पर्दे को अपने लिए बोझ समझ लिया आपने इसे क़ैद बंद समझ लिया है हालांकि इससे बुरी सोच और क्या हो सकती है देखो इस्लाम ने क्या जतन किए हैं आपको आपके घर में महफूज रखने के लिए बाहर की बात मैं इंशाल्लाह बाद में करूँगा घर में रहते हुए आपकी इज़्ज़त आबरू कैसे महफूज रहे किस किस्म का लिबास और पोशाक आपको पहनना है किनसे आपको किस अंदाज़ में मिलना है क्या कवानी हैं क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं आइए सुनिए अल्लाह ने घर की बाउंड्री के अंदर ख़वात की हिफाजत के लिए कानून ये दिया कि घर में जो मर्द हैं भले वो महरम हों बाप हों भाई हों बेटे हों भतीजे हों भांजे हों अगर ये बालग हैं घर से बाहर जाते हैं और अगर बाहर से होकर फिर इन्हें घर के अंदर आना है तो अचानक ना आ जाएं, अचानक घर में दाखिल मत हों इस्लाम ने रोक दिया उनको कानून ये दिया कि जब आप वापस घर लौट कर आओ चाहे लंबे सफ़र से आ रहे हो या छोटे सफ़र से आपको चाहिए कि इजाज़त लो घर का दरवाज़ा नॉक करो बेल बजाओ लोगों को पता चले कोई आया है ताकि ख़वातीन अगर किसी और हालत में हैं जिस हालत में वो मर्दों के सामने नहीं आ सकती हैं तो अपनी असलाह कर लें अपने आप को समेट लें और आप अचानक अगर जाते हो अचानक उन पर दाखिल हो जाते हो मुमकिन है आपकी नज़र किसी ऐसी जगह पड़े उन खवातीन पर ऐसी हालत में आपकी नज़र पड़े जिसमें आप उन्हें देखना पसंद नहीं करते इसलिए शरीयत ने एक कानून दिया इजाज़त हासिल करो डायरेक्ट घर में मत दाखिल हो कहाँ पर है ये बात अल्लाह रबालमी ने कुरान करीम सूरह नूर सूरत नंबर चौबीस आयत नंबर उनसठ में फ़रमाया वाबल अतफ़ालमिन कुमुल्लुम फ़लियस्तिन कमस्तादनदीन अमिन कबल कि जब बच्चे बालिग हो जाएँ देखो बच्चों की बात हो रही है जब घर में बच्चे बालिग हो जाएँ तो उन्हें चाहिए कि बाहर से घर में आते हुए इजाज़त लें जैसा कि उनसे पहले लोग इजाज़त लिया करते थे रोक दिया इस्लाम ने हमारे अपने घर के बेटे हमारे अपने घर के बच्चे लेकिन बालग हो गए हैं उनकी रगों में जवानी का खून दौड़ने लगा है इस्लाम ने पाबंदी लगा दी घर में आओ तो देखो तुम्हारे घर में ख़वातीन हैं तुम्हारी माँ हैं तुम्हारी बहन है तुम अचानक मत दाखिल हो पता नहीं किस हालत में ये लोग हैं माँ और बाप और तुम चले आए इजाज़त लो नाक करो ताकि वो अपने आप को अपने दायरे में कर लें अपनी इस्लाह कर लें और अपने आप को समेट लें इसी तरह घर के बाहर के लोगों को ये हुक्म दिया कि अगर तुम किसी दूसरे के घर में जाना चाहते हो कोई ज़रूरत है किसी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें ये हुक्म है कि इजाज़त लो किसी के घर में बिला इजाज़त मत जाओ कुरान करीम ने सुर नूर सूरत नंबर चौबीस के आयत नंबर सत्ताईस में फ़रमाया यूहदीन आमनू ला तदखुलू ख़ुल गैर कम हत्ता व तस्था अला अहलिहा तसल्म ईमान लाने वालों मोमिनों से खिताब है आम इंसानों से खिताब है समाज के कलमागो भाइयों से खिताब है इस्लाम कहता है कुरान कहता है ईमान लाने वालों तुम ला तद बुयूतन गैर बोयूति तुम अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर में मत जाओ मत दाखिल हो हत्ता तस्था मगर उस वक्त जब तुम्हें इजाज़त मिल जाए वह तो है, और अगर इजाज़त तुम्हें मिल जाए तो तुम सलाम करके उन पर दाखिल हो ये क़ानून इस्लाम ने दिया उन मर्दों को जो किसी दूसरे के घर में जाना चाहते हैं आखिरी कानून किसके लिए है इसका फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा यही है कि एक घर के मर्द और उसकी औरतें अपनी निजी ज़िंदगी जो जी रही हैं उनका जो अंदाज़ है अपना वो डिस्टर्ब ना हो दूसरों के आने की वजह से वो बेपर्दगी का शिकार ना हों बल्कि अल्लाह के हदों को कायम करते हुए वो ज़िंदगी जी सकें ख़वातीन पर्दे में रह करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकें यही मकसद है वरना फिर क्या वजह थी कि इस्लाम उनको रोक रहा है कि दूसरे के घर में मत जाओ जब यह हुक्म नाजिल हुआ तो खुद अरब के लोगों को इसका इतना शाऊर नहीं था वो ये जानते थे कि ठीक है घर में जाने से पहले इजाज़त लेना है और बस तो क्या करते थे जब किसी के घर में जाना होता तो पहले उनके घर की खिड़की से झाँकते थे कुछ लोग वो आदमी जिससे मिलना है हमें वो घर में है कि नहीं है देख लूँ बाहर से चोरी छुपे झांकते थे जब पता चलता था घर में हैं वो तब अंदर जाते थे नॉक करके इजाज़त लेकर एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा हुआ नजरिन कराम मज़्त ख़वातिन इस्लाम हमारे नबी जनाब महम्मदरसोल्ला सल वम के पास कुछ लोग आए मिलने के लिए घर के बाहर आए तो ये जानने के लिए कि पता नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में हैं कि नहीं एक साथी ने खिड़की से झांकना शुरू किया और जब खिड़की से उन्होंने देख लिया कि हाँ अल्लाह के रसूल घर में हैं तब दरवाज़े पर आए दरवाज़े को नॉक किया इजाज़त ली उसके बाद दरवाज़ा खुला तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पहले देख लिया कि आप घर में हैं तब मैंने दरवाज़ा नाक किया अल्लाह के रसूल गुस्सा हुए आपने फ़रमाया अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे घर की खिड़की से बाहर से झांक रहे हो तो मैं तुम्हारी आंख फोड़ देता लेकिन मैं देख नहीं सका तुमको उसके बाद अल्लाह के रसुलसा सम ने कानून बना दिया कानून पास कर दिया ऐलान करवा दिया कि कोई आदमी किसी के घर में न झांके ये जुर्म है और अगर कोई किसी के घर में बाहर से बिला इजाज़त झांकता है ताकता है तो घर वाले को ये इजाज़त है कि उस झांकने वाले की आंख फोड़ दें और उनको किसी किस्म का कोई तावान नहीं देना पड़ेगा कोई बदला नहीं देना है इसलिए कि वो मुजरिम है जिसने झाँका है रवि वसलम ने सख्ती के साथ ये क़ानून नाफिस किया आखिर इसमें किसका फ़ायदा है किसका तहफुज है घर वालों का घर की औरतों का उनकी इज़्ज़त आबरू को तहफ़ देने के लिए इस्लाम ने यह कवानीन दिए बल्कि इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा अगर तुम्हें किसी के घर से कुछ माँगना है तो डायरेक्ट मत घुस जाओ मांगने के भी आदाब हैं घर के बाहर रहो पर्दे के पीछे से मांगो दरवाजे के बाहर खड़े रह के इजाजत लेकर वहाँ से तलब करो ये मांगने के आदाब हैं अल्लाह रबालमी ने क़ुरानी करीम ही के अंदर इसका जिक्र भी फरमाया है अहज़ाब सूरत नंबर तैंतीस की आयत नंबर तिरपन में अल्लाह फरमाता है वह इदा सातुमन्नता फ़स अलोहन वराजाब कई ईमान लाने वालों जब तुम इन औरतों से कोई सामान मांगना चाहो किसी किस्म की ज़रूरत तुम्हें हो और इत्तेफाक से घर में खातन ही हैं जिनसे तुम्हें मांगना है फ़सलूहन हिजाब तो हिजाब और पर्दे के पीछे से मांगो घर में मत घुसाओ या आदाब हैं फ़ायदा क्या होगा ख़वान की इज्जत महफूज़ रहेगी इसलिए कि मकसद ही इस्लाम का यही है कि खातन महफूज रहें इसलिए कि इस्लाम की नज़र में मोतियाँ हैं वो इस्लाम की नज़र में जेवरात हैं वो इस्लाम की नज़र में सोना और चांदी हैं वो इस्लाम की नज़र में वो किसी सीपी के अंदर मौजूद मोती हैं जिस तरह मोती की हिफाजत के लिए लबालमीन ने सीपियाँ बनाई हैं उसके अंदर वो महफूज रहता है ये ख़वात उनकी इज़्ज़त आबरू इस्लाम की नज़र में इसी तरह से कीमती है इसलिए लाब्लमी ने ये तमाम निज़ाम सेट किया है ताकि उनकी ज़त आबरू महफूज हो और वो जिस तरह किसी मोती की हिफाज़त सीपी के अंदर हुआ करती है घर में रहते हुए खातून की हिफाजत भी उसी अंदाज़ में हुआ करे अभी बात घर ही की हो रही है इन बाहर की भी होगी लेकिन वक्त हो गया है इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इन ये दिलचस्प सिलसिला हमारी गुफ्तगु का आगे भी जारी रहेगा और इसी मौजू को लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा लेकिन तब तक के लिए इजाज़त चाहिए असलकम वरम्ल वर्का